हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं लॉक द्वारा दिया गया थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉक सपोर्ट करते हैं राइट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पीपल। जो लोगों के पास रेवोल्यूशन का अधिकार है उसके लॉक सपोर्टर हैं, ठीक है। अब क्यों वो सपोर्टर हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो पीपल है उनके उसके पास क्या है, तो रीजन है, कंसाइंस है, मोरलिटी है। तो इन सब से उसके पास राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने का, ये जो राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस है, राइट और रॉन्ग का जो नॉलेज है वो आ जाता है उसके पास, ठीक है। दूसरा रीजन जिसके लिए लोग सपोर्ट करते हैं लोगों के राइट ऑफ रेवोल्यूशन का, वो है गवर्नमेंट बनाया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, गवर्नमेंट और पीपल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट पे बेस्ड है। तो लोग कभी भी कंसेंट से बाहर आ सकते हैं, और बाहर कब आएंगे कंसेंट से, जब स्टेट उनके राइट्स को वायलेट करेगा, ठीक है। और ये भी जब भी ये रेवोल्यूशन होगा, यानी कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो वो पीसफुल होगा, ऐसा लॉक का मानना है, ठीक है। पीसफुल क्यों होगा, क्योंकि लोगों के लोग जो है सो रैशनल है, ठीक है, वो रैशनल है, इसीलिए ये जो चेंज होगा वो पीसफुल होगा। कजेस ऑफ रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन के क्या क्या कज हो सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग नहीं एक्ट कर रही हो तो रेवोल्यूशन हो सकता है। दूसरा है जब एग्जीक्यूटिव अलाउ नहीं कर रहा हो लेजिस्लेटर को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जब व्हेन एग्जीक्यूटिव डजंट अलाउ लेजिस्लेचर टू फंक्शन, ठीक है। थर्ड कंडीशन है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना कर रहा हो। और जो फोर्थ कंडीशन है, जब गवर्नमेंट ही लोगों को किसी फॉरेन रूल के अंदर डाल दे, तब जाके रेवोल्यूशन हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको लॉक का थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।